हेलो फ्रेंड्स, रीना रसोई डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आप सभी व्यूवर्स को होली मुबारक हो। वो होली में रंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए आज हम आपको रीना रसोई में कलर्ड गुजिया बनाने जा रहे हैं, जो कि बिना खोए के बनाएंगे। आइए गुजिया हम कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं रीना रसोई में। गुजिया बनाने के इंग्रेडिएंट्स, हमने पेठा लिया है। पेठा को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, महीन महीन घिस कर या रफली चाप भी कर सकते हैं। हमने थोड़े से घिस लिए हैं, थोड़े से बहुत छोटे छोटे से हमने टुकड़े करे हैं इनके। और हमने 4-5 चम्मच अखरोट लिया है महीन महीन काट कर, आधी कटोरी बादाम लिया है रफली चाप, आधी कटोरी रफली चाप्ड काजू लिए हैं, 2 चम्मच पिसी हुई इलायची पाउडर लिया है, 2 कटोरी मैदा, 1 कप में पानी डो बनाने के लिए, और ऑरेंज कलर लिया है, आप इसकी जगह रेड कलर भी ले सकते हैं, ऑयल लिया है मोइन डालने के लिए तलने के लिए, 1 कटोरी शुगर ली है चाशनी बनाने के लिए। अब हम गुजिया की स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। पेठा, इसमें कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम, अब इसमें हम अखरोट डालेंगे। अखरोट डालने के बाद हम इलायची पाउडर डालेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम मैदे में 4-5 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के मिलाएंगे और जब एक अच्छा सा लड्डू बन के तैयार होगा, इसके मतलब मैदे में हमारा अच्छा सा मोइन पड़ गया है। अब इसमें हम पानी डालकर एक अच्छा सा डो बनाकर तैयार करेंगे। हमारा डो बन गया है। हमने डो को 2 भागों में बांट दिया है, एक प्लेन, एक में हम कलर डालेंगे। हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालेंगे, आप इसकी जगह रेड कलर भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाकर बराबर करेंगे। अब हमारे दोनों डो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम बड़ी सी एक पूड़ी बेलकर तैयार करेंगे। ये इस तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। आप छोटी छोटी लोई बनाकर भी बेल सकते हैं। अब इनको हम कटोरी की सहायता से छोटी छोटी पूड़ी काट कर तैयार करेंगे। इसी तरह से हम सारे आटे की पूड़ी बनाकर तैयार करेंगे। हमारी प्लेन आटे की पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम कलर्ड आटे को भी उसी तरह बेल कर पूड़ी बनाकर काटेंगे। इसको भी हम इसी तरह से कटोरी की सहायता से गोल गोल काट कर तैयार करेंगे। अब हम पहले सफ़ेद पूड़ी उठाएंगे। हम पिज़्ज़ा कटर से इसको इस तरह से काटेंगे। ध्यान से काटिए, कॉर्नर नहीं कटने चाहिए। आप चाकू से भी इसको काट सकते हैं। इसी तरह पतली पतली सी पट्टियाँ हम काटेंगे। सारी पूड़ियों को हम इसी तरह से काटेंगे। अब हमारी पूड़ी कटकर तैयार हो गई है। हमने 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच मैदा का घोल बनाया है पूड़ी पर लगाने के लिए। अब चारों तरफ हम हल्का हल्का मैदे का पेस्ट लगाएंगे, जिससे हमारी दूसरी पूड़ी अच्छी तरह से इसके ऊपर चपक जाए। चारों तरफ अच्छी तरह से लग गया है। अब इस पर हम अपनी ऑरेंज पूड़ी रखेंगे। ऑरेंज पूड़ी को रखकर हम हल्के हाथों से इसको दबाएंगे। अब इसके भी चारों तरफ हम हल्का हल्का सा मैदा का घोल लगाएंगे, जिससे हमारी गुजिया खुले नहीं।
सब तरफ अच्छी तरह से घोल लगाने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें स्टफिंग में थोड़ी सी पिसी शक्कर भी डाल सकते हैं। अब इसको हम बंद करेंगे। चारों तरफ हम अच्छी तरह से बंद करेंगे। लाइन का ध्यान रखिए, सीधी सीधी आनी चाहिए। इसी तरह से हम अपनी सारी गुजिया बनाकर तैयार करेंगे। हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गैस की आंच हमको मीडियम लो रखनी है, क्योंकि हमको गुजिया धीमी आंच पे पकाना है। इनका बाहर का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, तभी ये गुजिया देखने में सुंदर लगेंगी। देखिए हमारी गुजियों का कलर कितना सुंदर आया है। हमको इतनी ही क्रिस्पी करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है, तभी ये गुजिया देखने में सुंदर लगेंगी। अब हम चाशनी बनाएंगे। हम 1 से 2 तार की चाशनी बनाएंगे। पानी गर्म हो गया है, इसमें हम शक्कर डालेंगे। आंच को मध्यम रखेंगे, 1 से 2 तार की चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसमें अब हम गुजिया को डिप कर करके बाहर निकालेंगे। ये गुजिया हमारी खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। इसी तरह से चारों तरफ से चाशनी में बोर बोर कर हम इनको बाहर निकालेंगे। इसी तरह से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार करेंगे। देखिए हमारी गुजिया चाशनी में डूब कर कितनी अच्छी लग रही हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये होली की डिजाइनर गुजिया ज़रूर पसंद आएगी। एक बार आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। यदि हमारी रेसिपी हमेशा की तरह आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट लिखिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो ज़रूर कर दें, और जिन्होंने कर दिया है उनको वेरी वेरी थैंक यू। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।